वार्ड नंबर 2 में नगर पालिका की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायक ईश्वर सिंह के इशारे पर प्रशासन द्वारा कब्जा करवाने के लगाए आरोप। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह का शहीद उधम सिंह चौक पर पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। स्थानीय नगर पालिका सचिव से लेकर डीसी को शिकायत देने के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई। नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे की कार्रवाई जारी। नगर पालिका सचिव ने शिकायतकर्ता को ही जारी किए नोटिस। विधायक एक तरफ तो कहते हैं कि मैं गुला हलका में एक इंच भी जमीन नहीं दबने दूंगा और उसका चहेता और विधायक की सह पर वहां पर नगर पालिका की 10 मरले से ज़्यादा जमीन पर कब्जा कर रहा है और विधायक की देखरेख में कब्जा कर रहा है, क्योंकि 3 बार नगर पालिका सचिव नोटिस दे चुका था। उसके बाद हमारे तहसीलदार महोदय ने नोटिस दिया, उस SDM साहब ने भी नोटिस दिया, लेकिन फिर भी काम नहीं रुका। और कल वहाँ पर जो मतलब द्वार उस बढ़ाई गई थी 8-10 फुट बनाई गई थी, SDM हमारे तहसीलदार साहब मौके पे थे, वो भी हमारे पास फोटो है, लेकिन अब जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पर मुआयना कर लीजिए, पूरी की पूरी उन्होंने मतलब उसके बाद बिल्डिंग खड़ी कर दी है, लेकिन इसमें किसी और का नहीं, हमारे 97 विधायक वहाँ पर मतलब इनकी काम करवा रहे हैं और प्रशासन इसकी पूरी मिल वक्त से वो मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और चंद्र प्रकाश उस पर कब्जा करवा रहा है और विधायक उसके साथ में है, उसका निजी आदमी है। हमने बहुत कल भी तहसीलदार SDM साहब रोकने गए थे, रोका थोड़ी है, उससे बाद फिर काम, आज भी 12-20 बंदे लग रहे हैं और लेंटर पानी चल रहा काम वहाँ पूरी तरह। हम प्रशासन से यह मांग करते हैं इसको रोका जाए, नहीं तो हम हाई कोर्ट तक जाने का निर्णय अपना चुके हैं। जो हमने इसके खिलाफ 10-12 आदमियों ने हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उनके खिलाफ नोटिस, जिसमें मेरा नाम है विक्रम सिंह उर्फ सोनलाल अर्जुन सिंह, तो हमारे को ही नोटिस पकड़ा दिया, जो कि नजायज कब्जा उसको रोका नहीं। हमको कम से कम 55 साल हो गए हम रह रहे हैं, हमारे मकान को गेड़ने का नोटिस प्रमाणित कर दिया। उनको ये सारी मिली भगत है, इसमें प्रशासन विधायक के द्वारा दबाव में है, इस कारण से काम नहीं, कोई काम नहीं रुक रहा, ऐसे ही चल रहा है।